जनरेट अ मेकअप लुक फॉर मी. इतना ही था. ओके मैं रेडी हूँ म्यूजिक वीडियो के लिए. हटाना पड़ेगा. Hi everyone, welcome to Nayika TV. I am Sonia Garg again on Nayika TV for a very fun pass or fail challenge. So देखते हैं कि आज का challenge मेरे लिए क्या है. So here is the challenge box from Nayika team. इसमें makeup के साथ iPad क्यों है? I'm so confused. AI picks my makeup challenge. तो बेसिकली इस चैलेंज में नायका टीम विल गिव मी सम सिचुएशंस एंड मेरे को वो सिचुएशंस एआई से पूछनी है टू जनरेट अ मेकअप लुक फॉर मी एंड वो मुझे रिक्रिएट करने है खुद पे. आई एम सो नर्वस बट मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है. ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो सोनिया ना कर पाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट सिचुएशन जो हमें नायका टीम ने दी है वो है म्यूजिक वीडियो मेकअप लुक फ्रॉम 2009. मेरे को हमेशा से म्यूजिक वीडियो में आने के बहुत ज्यादा शौक रहे हैं. AI जनरेट अ मेकअप लुक फॉर मी. ओह माय गॉड इट्स सो क्रेजी. आई गेस म्यूजिक वीडियोस में थोड़ा एक्स्ट्रा लाउड मेकअप भी चलता है बट मुझे ये वाला एक लेवल और एक्स्ट्रा लग रहा है. बट कोई ऑप्शन नहीं है यार. रिक्रिएट करेंगे, चैलेंज कम्प्लीट करेंगे. आओ पहले जल्दी से बेस कर लेते हैं प्राइमर. आई नो थोड़ा क्रेजी और फनी सा मेकअप लुक लग रहा है बट मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है. आई गेस मेरा बेस काफी अच्छा निकल कर आया. आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट. मैंने प्राइमर करा है, उसके बाद कंसीलर, फाउंडेशन एंड देन फिक्स्ड इट ऑल विद अ कॉम्पैक्ट पाउडर. तो आई शेडो मेरे को लग रहा है बहुत ही ज्यादा लाइट पिंक और पर्पल मिक्स टाइप ऑफ शेड है. तो मुझे ये मेकअप रेवोल्यूशन की किट में से ये वाला शेड समझ में आ रहा है. सो लेट्स जस्ट गो अहेड विद इट. आई हैव नो आइडिया कैसे निकलने वाला है. बहुत ही प्यारा कलर निकल कर आया है. तो हल्का सा यहाँ लगाएंगे बट मुझे लग रहा है ये सेम शेड निकल कर तो आया है. आई गेस दैट इज इट. इतना ही था. ओके मैं रेडी हूँ म्यूजिक वीडियो के लिए. बहुत ही क्रेजी थिक आईलाइनर लगा रखा है. मैं अपना फेवरेट लैक्मे आईलाइनर से लगाने वाली हूँ. विंग देना है और इसे मोटा नहीं हो पाएगा. मुझे इतना ही आदत है लगाने की. मेरे से खुद नहीं हो रहा है कि मैं कैसे लगाऊँ इतना थिक वाला आईलाइनर. ओके लेट्स डू इट सोनिया. वाओ मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस म्यूजिक वीडियो का एस्थेटिक क्या है. इट्स गोइंग एवरीवेयर. हमें ब्लैक आई शेडो लेना है एंड वी जस्ट हैव टू स्मज इट. This is so messy. मैं खरा ओ ये सही निकल कर आया है. Wow, it's looking so pretty. Pretty. Next step है blush. Cheekbones पे oh God ये बहुत ज़्यादा आ गया. बट मैं सेम वैसे लग रही हूँ. बिल्कुल उन्होंने ना यहाँ लगाया अपने कंटूर बोन पे. ओह गॉड ये बहुत ज्यादा हो गया. ब्लेंड ब्लेंड. वाओ बहुत ज्यादा पिंक हो गया यार ये. बट मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ जो एआई ने मुझे बोला है करने के लिए. मेरे इसमें कोई गलती नहीं है. Who would have thought यार फ्यूचर में हमें एआई बता रहा है कि क्या मेकअप करना है. इट्स सो क्रेजी टू इवन थिंक अबाउट. उन्होंने अपने कॉलर बोन पे भी ब्लश लगाया हुआ है. हम भी वही करेंगे. हड्जा नेकलेस. हड्जा नेकलेस. हड्जा नेकलेस. ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ किसी ने मारा है, पंच किया है. बहुत ज्यादा वाला ऐसे भर भर के हाइलाइटर यूज किया गया है. ब्रिज ऑफ द नोज. वाओ वाओ. लिपस्टिक में मेरे को हल्का सा पिंक एंड ऑरेंज का मिक्सचर लग रहा है. सो आई एम गोना मिक्स टू शेड्स. ये वाला नहीं. हाँ खुद ही कंफ्यूज हो गए. हल्का सा ये वाला लिया, हल्का सा पिंक लिया एंड टडा पिंक लगा लेते हैं. मोस्टली मेरा पूरा लुक हो गया है. मेरे को लग रहा है काफी सिमिलर लग रहा है लेकिन मेन पार्ट आई लैशेज दोस बिग हैवी आई लैशेज वो बचे हैं. मेरे को तो सबसे ज्यादा टफ पार्ट लगता है. मेरे से आई लैशेज लगते ही नहीं है बट करके दिखाएंगे. अपने आँख में ना मार लू, अपने आँख में ना मार लू. ऑलमोस्ट. दिस लुक सो नाइस. यू लुक द डिफरेंस. भाई साहब क्या मस्त लुक निकल कर आया. मेरे को फोटो में काफी कंफ्यूजन हो रही थी कि पता नहीं क्या ही निकल कर आएगा बट करने के बाद मेकअप बहुत ही ज्यादा प्रिटी और ग्लैम्ड अप लग रहा है. मेरे को आईज मेरा फेवरेट पार्ट निकल कर आया जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और डर लग रहा था. एंड लिपस्टिक एंड ब्लश द होल फेस लुक सो नाइस. गुड जॉब एआई. मूविंग ऑन नेक्स्ट चैलेंज है मेकअप लुक यू थिंक विल ट्रेंड In 2040. ये कैसा चैलेंज है नायका टीम. मेरे को लग रहा है एआई नहीं कर पाएगा बट लेट्स
So, oh my god. I was not at all expecting it, but you bahut hi zabardast lag raha hai. Like eyebrow ki shape dekho kitni precise hai. Love the glitter and shine and blending bahut hi zyada pretty lag raha hai. I don't know main achieve kar paungi ya nahi, but let's see. I guess in do shades ko hum mix karke bahut hi pyara sa shade nikal sakte hain. Yes. आउटर कॉर्नर पे हमें डार्क शेड लगाने. वाओ, ये मेरे को प्रॉपर शेड मिल गया. इट्स लुकिंग एग्जैक्टली लाइक हाउ एआई सजेस्टेड मी. सो नाइस. मेरे को ऐसा लग रहा है हमने बिगनर लेवल से स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे हम उसको और यू नो एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं. ये बहुत ज्यादा कूल लग रहा है. आई एम ऑलरेडी लविंग इट यार. ये सिल्वर शेड उन्होंने आईलिड पे लगाया हुआ जो कि बहुत ही जबरदस्त लग रहा है. लाइक दिस. वाओ वाओ. बट मेन हमें कट क्रीजेस देने हैं थोड़ा सा आईब्रो बोन के इधर, थोड़ा लाइनर साइड पे, थोड़ा इनर कॉर्नर पे. एंड मैं इस ब्रश को गीला करके व्हाइट आई शेडो ले रही हूँ ताकि वो इफेक्ट हम अचीव कर पाए. ऐसा लग रहा है एआई के साथ साथ मैं भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही हूँ. इतने मस्त जबरदस्त मेकअप लोग निकल कर आ रहे हैं यार. ओके, ये लग मस्त रहा है, बट मैं करके कहाँ जाने वाली हूँ फ्यूचर में, मेरे को कोई आइडिया नहीं है. वाओ एंड डन यार. ये बहुत ही ऐसे आर्टिस्टिक सा मेकअप लुक लग रहा है मेरे को. इतना मजा आ रहा है करते हुए. इनर कॉर्नर पे तो उन्होंने बहुत लगाया हुआ है. एंड वी आर लिटरली रेडी. आई ट्राइड माई बेस्ट कि एआई ने जो मुझे जनरेट करके दिया मैं वैसा ही लुक रिक्रिएट करूँ. एंड आई थिंक ये काफी सिमिलर लग रहा है. यू नो वॉट, करने के बाद मेरे को इतना पावरफुल और इतना बोल्ड फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है वाओ. और नेक्स्ट मेकअप चैलेंज है हमारा वायरल मेकअप ट्रेंड्स इन वन मेकअप लुक. तो बेसिकली सारे मेकअप ट्रेंड्स हमें एक लुक में चाहिए. हम देखते हैं कि एआई क्या. इट्स सो पिंक. ओह माय गॉड, ये बहुत ही ज्यादा पिंक है. इनफैक्ट आईब्रोज के आसपास भी मेकअप हुआ हुआ है. इट्स क्रेजी. ओह माय गॉड, इनकी नोज पे क्या हो गया है. ऐसा लग रहा है कि मेकअप करते करते कुछ ब्रश लग गए हैं, बट हमें ये भी करना पड़ेगा आई गेस, क्योंकि ये हमें जनरेट होके मिले. लेट्स डू इट. फाइनली इस प्यारे मेकअप को हम 2 सेकंड और दे देते हैं, निहार लेते हैं इसको, क्योंकि अब हमें ये हटाना पड़ेगा. ओह गॉड, कितने वियर्ड लग रहे हैं विदाउट आई लैशेस. फर्स्ट स्टेप, पूरा पॉपिंग पिंक वाला आई शेडो देंगे हम अपनी आईलिड को. वाओ. फन बात ये कि आईब्रो बोन पे भी उन्होंने पिंक हाइलाइटर दे रखा है, नॉर्मल हाइलाइटर नहीं दे रखा है, तो हम वही करने वाले हैं. वाओ, इट्स जस्ट सो वियर्ड डूइंग दिस. और यहाँ ये इनर कॉर्नर पे ना ब्लेंड हो रहा है सब कुछ. आई लैशेस के नीचे पिंक दिख रहा है, थोड़ा चीक्स के अराउंड, पूरा आईब्रो के ऊपर एंड आईब्रो के बीच तक भी ऐसे लाइन, ऐसे ब्रिज बना रखा है. बेसिकली हमें अपनी आईब्रो कनेक्ट करनी है विद अ पिंक आई शेडो. क्या कर सकते हैं, इट्स ऑल मेकअप ट्रेंड्स इन वन मेकअप, तो यही मिलने वाला है हमें. ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने मेरे ऊपर मेकअप किया हुआ है. Like what is going on? Where are we going with this makeup look? No idea. हल्का सा glossy effect देने के लिए मस्त लग रहा है यार. Eyelashes लगा लेते हैं इस पूरे pink look को और glammed up करते हैं. Eyelashes लग चुके हैं, काफी similar सा look निकल रहा है, लेकिन अभी भी हमें वो white वाला you know cut crease करना है inner corner and liner पे. Same मैंने brush को गीला करके उस पर eye shadow लगा लिया है. हम है तैयार, आओ कलाकारी करते हैं. Like this, और इसको ऐसे blend कर रखा है इन्होंने. काफी अच्छा लग रहा है यार. एंड वी आर डन. इससे ज्यादा पिंक में नहीं कर पा रही हूँ यार. एआई ने तो बहुत ही पिगमेंटेड लुक निकाल कर दिया, बट मैंने इतने ज्यादा शेड्स ऑफ पिंक मिक्स करे एंड ये इवेंचुअली मेरा फाइनल लुक निकल कर आया. अरे लास्ट चीज तो हम भूल ही गए, नोज पे जो उन्होंने ऐसे निशान से बना. आई एम जस्ट रुइनिंग माय फेस. हल्का हल्का करना है, ये ज्यादा लग गया यहाँ पे, बट अब मैं पूरी तैयार हूँ. गाइज, मेरे को तो बहुत ही मजा आया टू टेक अप दिस पास और फेल चैलेंज जो कि नायका टीवी ने मेरे को आज दिया करने के लिए. मेरे को लगता है कि मैंने ये चैलेंज पास किया क्योंकि आज जितने भी हमने मेकअप लुक्स निकाले वो काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग निकल कर आए हैं. बाकी यू गाइज लेट मी नो कि तुम्हें आज के मेकअप लुक्स कैसे लगे जो एआई ने हमें जनरेट करके दिए हैं. एंड इफ यू वॉन्ट टू सी मोर ऑफ दिस पास और फेल चैलेंज वीडियोज ऑन नायका टीवी, लेट अस नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू नायका टीवी फॉर लॉट्स मोर. एंड बाय. Download the Nykaa app to shop for all the products in this video and lots more.